वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जो धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्ते, मैं हूं दिव्य प्रकाश दुबे और आप मुझे देख रहे हैं टॉकेटिव टिडबिट्स पे। होता क्या है, जो इंडियन मिडिल क्लास है अपने बच्चे से को जब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सिखा रहा होता है सबसे पहले स्कूल में, उसकी सबसे बड़ी एस्पिरेशन क्या है, वो ये है कि उसके बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी में बात करें। जैसे मैं अपने घर का बताता हूँ, मेरी मम्मी का जो सबसे बड़ा सपना था वो ये था कि मैं और मेरी बहन अंग्रेज़ी में बात करें। मेरी बहन मेरे को बोलती थी यू आर एन इडियट और मैं बोलता था यू फूल, तो मेरी मम्मी बहुत खुश होती थी कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे अंग्रेज़ी में तो बात कर रहे हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है ना कि अंग्रेज़ी जो बचपन से डाली जाती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज की तरह अब डाली जाने लगी है पिछले 15-20 साल में, इसकी वजह से धीरे धीरे जो लिटरेचर से जो बच्चे हैं वो कटते जाते हैं। हम लोग कॉमिक्स के बाद माइग्रेट कर जाते हैं जो चिकलेट है अंग्रेज़ी के उस पर। इस वजह से धीरे धीरे जो हिंदी के राइटर्स जो अच्छा लिख भी रहे थे उनका ड्यू उनको नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि हिंदी के राइटर अच्छा नहीं लिख रहे हैं, अंग्रेज़ी वाले ख़राब लिख रहे हैं। अंग्रेज़ी वाले भी अपनी तरफ अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदी वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं। बस ये होता है कि हम जो किताब देते हैं अपने बच्चे को वो अंग्रेज़ी की किताब इसलिए दे देते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, MBA में काम आ जाएगी तैयारी के, दो चार वोकैबलरी सीख जाएगा, और इस वजह से वो धीरे 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 करके ड्यू हिंदी के राइटर्स का कम होता जाता है। तो देखो आप ऐसे समझो ना कि 12th की तक की पढ़ाई या ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होती है इंग्लिश लिखने की, इंग्लिश में बात करने की बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो बात अलग है कि आप स्कूल से बाहर निकलते हो तो भले आप जो कैंटीन में बात करते हो वो अपनी भाषा में करते हो, अपने तरीके से करते हो, अपने तरीके से लैंग्वेज बनाते हो, इंग्लिश में बात करते हो, लेकिन जब तक ये कॉलेज या उसके आगे की बात पहुंचती है तो लोगों को लगता है यार अगर मैं लिखूंगा अपनी लैंग्वेज में तब तक आपकी उसकी आदत छूट चुकी होती है मराठी लिखने की, हिंदी लिखने की, या फिर आपकी गुजराती, जो भी आपकी भाषा हो, लेकिन अंग्रेज़ी के आप फ्लो में रहते हो। तो जब पहली किताब सोचते हो और आसपास देखते हो कि यार इनमें से मैंने खुद ही कोई रीजनल किताब नहीं पढ़ी तो ये लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप जब भी किताब क्रिएट करते हो या कोई भी आर्ट क्रिएट करते हो तो हमेशा ध्यान रखते हो कि इसको कंज्यूम कौन करेगा। और जब आप ये सोच के लिखने बैठते हो तो फिर नेचुरली वो अंग्रेज़ी में ही लिखते हो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप तक आपकी बात पहुँचे, हर कोई यही चाहता है, और इसलिए अंग्रेज़ी फ्रंट सीट पे हो जाती है और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस बैक सीट पे चली जाती है। पिछले 4-5 साल में जितना डिजिटल हिंदी ग्रो कर रही है, तुम देखो कि जो अंग्रेज़ी है जितना ऑनलाइन ग्रो कर रही है, हिंदी उसका 400-500% हर साल ग्रो कर रही है। और केवल हिंदी नहीं, सारी रीजनल लैंग्वेज। अब तुम नेचुरली एक देखो व्हाट्सएप पे आज से 4 साल पहले जितने मैसेज आते थे कितने सब मोस्टली उसमें इंग्लिश में होते थे, बट अभी देखो धीरे धीरे वो धीरे धीरे आपकी जो अपनी लैंग्वेज होती है उसमें लोग फॉरवर्ड करने लगे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जो डिजिटल फॉर्मेट है हिंदी बुक्स का उसने नेचुरली हम लोग को बहुत हेल्प किया है और आगे भी बहुत जा रहा है। अमेज़ॉन ने ई बुक लॉन्च की, कई सारे प्लेटफॉर्म ने सेम किताबें जो आपको बुक स्टोर पर नहीं मिलती क्योंकि धीरे धीरे एक हैबिट चेंज हुई है हमारी कि हम लोग बहुत जब तक बहुत ही अंदर कीड़ा ना हो तब तक बुक स्टोर नहीं जाते, तो हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में कंज्यूम कर सकते हैं। और बहुत सारी ई बुक्स पुरानी फ्री में भी अवेलेबल हैं, उसके सैम्पल चैप्टर अवेलेबल है, तो उसे नेचुरली एक अट्रैक्शन तो हुआ है कि हम डिजिटल फॉर्मेट में आगे बहुत बेहतर करेंगे। देखो कोई भी कहानी दुनिया में उस तभी अपील करती है जब वो पढ़ने वालों के बारे में हो, जो लोग उसको पढ़ रहे हैं, जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ है तब तक वो किताबें हिट नहीं करती हैं। फिर चाहे वो हिंदी में लिखी हो या मराठी में लिखी हो या अंग्रेज़ी में लिखी हो, अंग्रेज़ी में थोड़ा सा एडवांटेज ये मिल जाता है क्योंकि नेचुरल एक फ़्लो होता है आपको पढ़ने का, हिंदी पढ़ने का एक फ़्लो जा चुका होता है आपके 18-19 साल 20 साल होने तक। तो मुझे लगता है कि जैसे हिंदी के राइटर्स को अच्छा करने की बजाय ना, जैसे आप ऐसे समझो कि जो कैंटीन की एक भाषा होती है ना, जहाँ पे ना वो हिंदी होती है, ना वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ी होती है, ना पूरी तरीके से वो मराठी होती है, अगर हम लोग उनकी भाषा में वो किताब रखें। अब जैसे एक बहुत छोटी सी बात है, जैसे हम लोग बचपन में किताब गिर जाती थी तो बोल खाते थे ना कसम, विद्या कसम कही, और उसको किताब को अपने मुंह से हाथ लगा लिया और माथे पे एक बार चूम लिया। अब विद्या कसम को आपको अंग्रेज़ी में करना हो, आप लाख कोशिश कर लो,
वो कन्वर्ट नहीं होती फीलिंग, इसीलिए। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में ऐसा है, ऐसी दुनिया भर की चीज़ें हैं जो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। और कैंटीन की ब्यूटी यही है ना कि वहाँ पे कोई सेंसर नहीं होता, वहाँ पे आप बोलते हो ना जैसे। और अब सबसे जो मेरे को लगता है कि आपको किस भाषा में किताब लिखनी चाहिए, कम से कम हिंदी लेखों को, आप कभी भी ध्यान से जाके देखो, एक कोई ऑफिस के पड़ोस में जो चाय की टपरी होती है और वहाँ पे एक एम्प्लॉई खड़ा होकर जो अपने बॉस से गाली खा के आया होता है, वो बोलता है ना कि अरे यार बॉस ने दिमाग का दही कर दिया, अभी शाम को दारू पी के ना दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। अब ये भाषा जो हिंदी वाले जो प्योरिस्ट होंगे वो इस पर नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये भाषा लोग बोल रहे हैं ना, और भाषाएँ लोग बनाते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बनाते, कोई जर्नलिस्ट नहीं बनाते, और अच्छी बात है कि वो लोग नहीं बना सकते, अगर वो लोग बनाने लगे तब तो हो गया जो होना था। हाँ, रीडरशिप नेचुरली, जैसे क्या होता है कि हिंदी में किताबें जो हम लोग जो कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो देखो हमेशा अंग्रेज़ी में पहुँचे, मतलब ये तो हम सब चाहते हैं कि हम लोग को भी 10 लाख लोग पढ़ें और 20 लाख लोगों तक बात हमारी पहुँच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारा एक मन में ये रहता है ना कि जो विद्या कसम है ना, वो विद्या कसम अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में पहुँचे लोगों के पास। नेचुरली उससे बहुत सारे लोग आएंगे अंग्रेज़ी से, लेकिन कहीं ना जो भाषा जब चेंज होती है, जब ट्रांसलेट होती है, कुछ तो मर जाता है उसमें, कुछ तो ऐसी चीज़ें जो रह जाती है। वो आप कहानी पकड़ लोगे, सब कुछ पकड़ लोगे, लेकिन जो एक स्टाइल होता है राइटर का, वैसे भी दुनिया में सारी किताबें हैं इसलिए नहीं पढ़ते लोग कि उसमें कोई कहानी ऐसी होती है। आप कोई भी राइटर आपको जो पसंद होता है ना, आप इसलिए नहीं पढ़ते कि उसमें कहानी बड़ी अच्छी लिखी है। कहानी एक चीज़ है, आप किसी भी राइटर जो आपका फेवरेट होता है आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि उसका एक स्टाइल होता है बात कहने का, क्योंकि दुनिया में नई बातें ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, सब कुछ पहले भी महान महान लोग आए हैं, कह के जा चुके हैं और आगे भी बहुत आते रहेंगे। इसलिए अंग्रेज़ी से एक लेवल फ़ायदा होगा, अवेयरनेस होगी, लेकिन मैं चाहूँगा यही कि अगर 100 लोग अंग्रेज़ी किताब पढ़ें तो उसमें से 40 लोग लौट के वो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट जो भी हो, चाहे मराठी हो या मेरे केस में हिंदी हो, तो हिंदी में भी पढ़ें उसको, तभी भला होगा, तभी क्रांति आएगी। ये बड़ा मतलब मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखो हम लोग जो थोड़े बहुत लोग मार्केट करते हैं अपने आप को, तो हिंदी के जो बहुत पुराने लोग हैं हमें बहुत गालियां पड़ती हैं कि ये तो मार्केटिंग ही करते हैं, लिखने में ध्यान नहीं देते। इवन मेरी बुक किताब के कवर के पीछे भी जब पहली किताब आई थी तो मैंने यही लिखा था कि दिव्य प्रकाश दुबे मार्केटिंग प्रोफेशनल है और इनके मार्केटिंग वाले दोस्तों को लगता है कि लिख भी लेते हैं, और लिखने वाले दोस्तों को लगता है कि अच्छा ये लिखता विकता तो ऐसे ही है लेकिन यार ये मार्केटिंग तो कर लेता है। तो जो मार्केट करने की ज़रूरत नेचुरली बहुत है, आप भी देखो ना इतने बिग बजट जो फिल्में होती हैं, इतने बड़े बड़े फिल्म के अलावा जो किताबें आती हैं, बड़े बड़े जो राइटर अंग्रेज़ी के, जब वो भी हर जगह प्रमोट करते हैं चीज़ें, उनको भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है ना महसूस की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल, जैसे 80s में इंडियन एडवर्टाइजिंग में एक टर्म चलता था, जो लोग एडवर्टाइजिंग ज्वाइन करते थे HMT बोलते थे, जो हिंदी मीडियम वाले होते थे, हिंदी मीडियम टाइप उनको बोला जाता था और उनको अलग रखा जाता था। और कमाल की बात देखो, जितनी भी बड़ी टैगलाइंस हुई हिंदुस्तान में, ये दिल मांगे मोर से लेके, वो सब कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स थे, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा थे कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और कहीं ना कहीं ये जो ये नोशन है कि ये गांव की कहानियां हैं या केवल उसमें, तो ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल आपके आजकल की कहानियां लिख रहे हैं, आपको लगे अरे तो 2 साल पहले हो रहा था कि वो कहानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पे अभी भी प्रेमचंद के दौर की कहानी आए कि कोई गांव वाला है जिसके किसी ने उसके सूद पे पैसे दे रखे और वो लौटा नहीं पा रहा है। हम उन कहानियों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बस एक बार उनको सही से उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। और आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपके अपनी ज़बान में जब आप पढ़ते हैं चीज़ें तो उसका अलग ही एक फील होता है। वो वैसे ही है ना जैसे आप सपने अपनी भाषा में देखते हैं, सपने अंग्रेज़ी में नहीं आते ना।